और अब आपको लिए चलते हैं कुछ सैरो सियाहत पर। आजाद कश्मीर के बुलंद सियाहती मकाम पीर चनासी में आने वाले इस वादी को मुद्दतों याद रखते हैं। मुल्क के दीगर शहर अक्सर सख्त गर्मी की लपेट में होते हैं, लेकिन यहाँ पर गर्म कपड़ों के बगैर गुजारा नहीं होता। इस हसीन वादी की सैर आपको करवाएंगे मुजफ्फराबाद से जियो न्यूज के रिपोर्टर नईम अहमद अब्बासी। आज़ाद कश्मीर की हसीन वादियों और बलखाती शाहरा पर सफ़र करते हुए दारुलहुकूमत मुजफ्फराबाद से सिर्फ 40 मिनट की मुसाफत पर 10,500 फुट बुलंद मकाम पीर चनासी पहुँचा जा सकता है। पीर चनासी की सबसे खास बात यहाँ का खुशगवार मौसम है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जब दर्जा हरारत 35 से 40 डिग्री के दरमियान होता है तो यहाँ दर्जा हरारत सिफर के करीब रहता है। उड़ते बादलों को देखकर सयाह हसीन वादी के शहर में डूब जाते हैं। और यहाँ कश्मीर आने के बाद पता चला हमें कि जन्नत क्या है। अब पता चले कि कश्मीर को जन्नत क्यों कहा जाता है। यहाँ पर जो यहाँ की जो खूबसूरती है, आई थिंक इट्स इनकम्पेरेबल विद एनीथिंग, किसी भी खूबसूरती से। कश्मीर को जन्नत नज़ीर कहते हैं, आज हम लोगों ने खुद अपनी आँखों से देख लिया। कराची का वेदर इस वक्त काफ़ी गर्म है, 40 और 45 चल रहा है, और यहाँ पर जो है काफ़ी सर्दी है, हम लोगों ने स्वेटर्स वगैरह पहने हुए हैं। पीर चनासी आने वाले सयाह एक तरफ तस्वीरें बनवाने में मसरूफ़ हैं तो दूसरी तरफ कश्मीर के कुदरती मनाज़र देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि दुनिया में कोई मकाम ऐसा नहीं जो कश्मीर जैसा खूबसूरत हो। अब यहाँ पे आकर तो हमें कोई यकीन नहीं आ रहा कि हम इस वक्त पाकिस्तान में ही हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ठंडक है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। पीर चनासी की एक और वजह शहरत हज़रत पीर सैयद शाह हुसैन बुखारी का कदीम मज़ार भी है। और ये मज़ार देखने आए हैं, सुना ये 400 ईयर्स से भी पहले का है, तो बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत व्यू है। हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते सयाह ठंडे मौसम में गर्मा गर्म बारबेक्यू ना खाएं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। कबाब और कोयलों पर पके टिक्के इनकी भूख को मजीद बढ़ा देते हैं। मुजफ्फराबाद से सयाती मकाम पीर चनासी तक अगर चेयर लिफ्ट लगा दी जाए तो यहाँ आने वाले सयाहों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। नईम अहमद अब्बासी, जियो न्यूज़, पीर चनासी, आज़ाद कश्मीर। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।